हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। तो भाई बहनों, इस वक्त हरियाणा से दो जिलों से आ रही है बहुत ही बुरी खबर। जानेंगे खबर को विस्तार से, बिग ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी के लिए। जैसा कि हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1264 पहुंच गया है। आपको बता दें, हरियाणा में दो जिलों में फूटा है कोरोना बम। जैसा कि हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद में एक बार फिर बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। फरीदाबाद में 23 नए मरीज तो गुड़गांव में 21 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। फरीदाबाद में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हो गई है। फरीदाबाद में यह सातवीं मौत है। वहीं प्रदेश में पानीपत में 5, भिवानी में 3, सिरसा में 1 मामला आया है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो आज कैथल में एक मरीज डिस्चार्ज हुआ है। हरियाणा में अभी तक 101,003 मरीजों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। और आपको बता दें, गुड़गांव में 12 पुलिसकर्मी आज और 4 पुलिसकर्मी पहले मिले थे पॉजिटिव। और गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव में 24 घंटे में अब तक सबसे अधिक 21 पॉजिटिव केस मिले हैं। सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसमें 12 पुलिसकर्मी शामिल है, जबकि इससे पहले भी 4 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। ऐसे में कोरोना योद्धा की बात करें तो अब तक 16 पुलिसकर्मी व 23 नर्स व डॉक्टर कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं। वहीं पॉजिटिव केसों की संख्या कुल संख्या बढ़कर 305 हो गई है। इनमें से 248 पॉजिटिव केस मई महीने के 25 दिनों में ही मिले हैं, जबकि मार्च व अप्रैल महीने में गुड़गांव में कुल 57 पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक हरियाणा में 17वीं मौत है। हरियाणा सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक हरियाणा में कोरोना से 17वीं मौत हो गई है। सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 7, पानीपत में 3, गुड़गांव में 2, अंबाला में 2, सोनीपत में 1, करनाल में 1 और रोहतक में 1 मौत हो चुकी है। तो जैसा कि आप सभी के लिए खबर कैसी लगी, खबर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।